हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके के प्रेस की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज की जो अपडेट है यहाँ पर आग द्वारा पब्लिश कर रखा है, तो चलिए क्या है इस अपडेट में जान लेते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस कर लेना, वरना इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधिनियम सचिव नायक द्वारा यहाँ पर अधिसूचना विज्ञप्ति करके यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधिनियम सचिव नायक द्वारा 26/9/2021 को पद नाम आप लोग देख सकते हैं, रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग की लिखित जो है यहाँ पर आपकी प्रतियोगी परीक्षा 10 से 12 के बीच में यहाँ पर कराई थी प्रथम पाली में। और इस पर जो है इसका जो यहाँ पर नाम था, इसका आधार नाम तो ये रक्षक था सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत। इसकी लिखित परीक्षा की जो उत्तर कुंजी यानी कि आंसर सीट है, आंसर की है, आपका जो है यूके उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अतः जो है इस संबंध में जो है लिखित परीक्षा में संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को जो है सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर पद नाम जो कि रक्षक है और सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में, इसकी उत्तर कुंजी है अपलोड हो जाने की तिथि से यहाँ पर जो है 1 सप्ताह के भीतर जो है यहाँ पर 5/10/2021 तक जो है यहाँ पर आप उत्तर कुंजी पर जो है यहाँ पर उसके सापेक्ष आपत्तियाँ प्रत्यावेदन केवल जो है ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर जो है आपको निर्धारित प्रारूप जो है वो स्वीकार की जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयोग की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर इस पर जो है आप प्रत्यावेदन कर सकते हैं 5 अक्टूबर तक। तो 5 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहाँ पर प्रत्यावेदन करना पड़ेगा। और जिसको भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है किसी की आंसर पे, तो आप लोग जो है प्रत्यावेदन कर सकते हैं। इसकी आंसर की यहाँ पर जारी हो चुकी है और इसमें जो है आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। और ऑब्जेक्शन उसी चीज़ का होगा जो आपका पास कोई प्रमाणित बुक होगी और उसका पेज नंबर और उसका राइटर का नाम और पेज की फ़ोटो सबको दिखना पड़ेगा। और आंसर कौन सा यहाँ पर आपने दिया हुआ था और उसमें जो है आयोग ने कौन सा आंसर दिया है, सब कुछ जो है मेंशन करना पड़ेगा, तब आपका प्रत्यावेदन मांगा जाएगा। वो भी आयोग के यहाँ पर जो है जो लिंक है यहाँ पर, ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं www.triplesc.uk.gov.in। यहाँ पर लिंक पर जाओगे और ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आप अपने प्रश्नों के उत्तर पर जो है आपत्ति लगा सकते हैं 5 अक्टूबर तक, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ये है आपका ऑब्जेक्शन लगाने का, इस वेबसाइट में मिलेगा आपको डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं आप लोग। और आंसर की भी आपको वहीं पर मिलेगी।